अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडे और चने की दाल से भरे हुए करेले, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो करेले, टमाटर बारीक चॉप्ड, हरी मिर्चें, प्याज ऑमलेट की तरह का कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, अजवैन, ज़ीरा, हल्दी, नमक, 3 अदद अंडे, आधी प्याली चने की दाल। सबसे पहले आते हैं करेलों की तरफ। करेलों को मैंने ऊपर से छील लिया था, आप देख सकते हैं दोनों साइडों से उठा के इसको ऐसे साफ किया, इस तरह से सारे इसके बीज निकाल दिए जी। तो अब चने की दाल हम उबाल लेंगे। सबसे पहले दाल को हमने उबाल लिया है, अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। दाल को हल्का हल्का मैश कर लेंगे कांटे के साथ, इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का। दाल अच्छे से मैश होगी। में ये मिक्सचर ऐड कर लेंगे, एक छोटा सा टीस्पून लेके इसके साथ। तो नीचे से ये जो सुराख होगा इसको ज़ोर से इसकी टिप को पकड़ लें और ऊपर से इसको फिल करें, इस तरह से। फ्राइंग पैन हमने चढ़ा लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। तो अब हम इसकी टिप को पहले नीचे रखेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इस तरह से और अब दूसरी साइड पे इस तरह से स्पून रखेंगे और इसको पका लेंगे, इस तरह से जी। तो ये हमारी इस तरफ से भी साइड तकरीबन हो गई है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, इस तरह से लो फ्लेम पे करेंगे ताकि जले ना। बाकी करेलों के साथ भी ऐसे ही उनको फिल करके एक साइड एक टिप पहले करेंगे और दूसरी को बाद में, और फिर इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे।
इनको अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको हिलाते जाएंगे साथ साथ ताकि नीचे चिपके ना। इस तरह से देखते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों डिशेज़ रेडी हैं। अब हम ऊपर धनिया, हरी मिर्च और लेमन ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं सर्व के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।